वेलकम सो टुडे वी आर अगेन हैज प्रोमस्ड विद यू कि एक सेशन हमारा जाएगा वाइस प्रोजिडेंट गवर्नर जनरल्स पे ठीक है तो आज जो चीज़ें हम करने जा रहे हैं अगेन वो बहुत ही जबरदस्त सी चीज़ें हैं क्योंकि जब मैं कराऊंगा तो आप देखेंगे कि आपने आज तक अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्क्स में या जिसमें भी हूँ हमेशा आपने इसी में से ही सवाल देखे होंगे इसके बाहर सवाल नहीं गया होगा गवर्नर जनरल्स ठीक है सो दिस इज वट वी आर गोइंग टू डू और एक लिस्ट है जिसको मैं आपको देने जा रहा हूं और जितने भी क्वेश्चन है उस उस पर्टिकुलर कार्यकाल में उस वाइस रॉय ने कौन वाइस रॉय था उस वाइस रॉय ने क्या क्या काम किए हैं उस अंतराल में और कौन सी बड़ी चीजें हुई हैं ये सभी की सभी चीजें हम अभी देखने जा रहे हैं ठीक है दस मिनट के अंदर अंदर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी एंड मेक श्योर दैट यू नोट डाउन इन सभी चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी पिछली जितनी भी क्लासेस हैं उन सबकी पीडीएफ में आपको दे चुका हूं स्ट्रेटी के एंड ऑल मैगजीन वगैरह आपको सब मिल चुकी है ठीक है आइए आते हैं शुरू करते हैं ये देखिए सबसे पहले बंगाल गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल हम लोग देख रहे हैं ठीक है तो कौन है वारेन हाथ सबसे पहले आ रहे हैं इनके टाइम पर क्या क्या चीजें हुई हैं डुअल गवर्नमेंट हुई थी बंगाल में और क्या हुआ है इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो रहा है कि गीता का ट्रांसलेशन इनके टाइम पर हुआ किसने किया चार्ल्स विल्किंस ठीक है और किसके टाइम पर हो रहा है इनके टाइम पर हो रहा है देन उसके बाद क्या हो रहा है सवाल पूछता है वो कौन से ब्रिटिश गवर्नर जनरल हैं जिनके ऊपर महाभियोग यानी कि इंपीचमेंट की प्रतिक्रिया लागू हुई थी तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इंपीचमेंट प्रोसीडिंग ठीक है इनके ऊपर महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रतिक्रिया लागू हुई थी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे आ रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस इन्होंने क्या किया था वाले परमानेंट सेटलमेंट जिसको कि जमींदारी सिस्टम बोलते हैं वो लागू किया था यह क्या होता है जिसमें जमीन का जो ओनर है वो बोलते हैं कि जमींदार है और जमींदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सारा टैक्स वैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिश सरकार को देना और अगर वो इस चीज में फेल होता है तो उसकी जमींदारी रद्द कर दी जाएगी और वो जमीन का जो पट्टा है वो किसी और को दे दिया जाएगा ठीक है तो जमींदार के ऊपर सारा प्रेशर आ गया ब्रिटिश सरकार में कोई प्रेशर नहीं था तो वो अपना चाबुक चलाते थे फिर किसके ऊपर वो चलाते थे किसानों के ऊपर इट अ वेरी वेरी सिस्टम हमारे पास सिविल इनके टाइम पर हैं क्या नाम है लॉर्ड ईयर आपके लिए जानना बहुत जरूरी नहीं है देख लेना याद हो जाए तो अच्छा है नहीं तो फिर छोड़ सकते हो अगर बिल्कुल ही ना याद हो रहा हो तो ठीक है और ये सब नोट कर लेना बहुत जल्दी से नोट हो जाएगा ठीक है हालांकि इसका पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा आपने टेलग्राम पर देन oh, हमारे पास कौन आ रहा है लॉर्ड वेलिजली इनके टाइम पर क्या हो रहा है सब्सिडियरी सिस्टम यार ये ऐसी चीज थी ये ब्रिटिशर्स का एक मास्टर पीस स्ट्रेटेजी थी सब्सिडियर क्यों क्योंकि इसमें क्या था जैसे मान लो मैं आ, एक रफ सा स्केच बना रहा हूं इंडियन मैप का तो इसमें क्या हो रहा था जैसे मान लीजिए ये कोलकाता में स्टेशन है तो ये करते क्या थे इन्होंने बोला कि देखो ऐसा है यार यहां पर कभी कभी मराठास काफ़ी उसमें काफ़ी मतलब रिवोल्ट कर देते थे कभी राजपूत कर देते थे कभी निज़ाम हैदराबाद कर देते थे कभी ये जो यहाँ पर ये सिंधियाज हो सलाज हैं मराठाज में आते हैं जो ये लोग कर देते थे तो इसमें इनको बड़ी दिक्कत होती तो इन्होंने क्या किया बोले कि अगर इन को, राज्यों को बोले अगर आप चाहते हो कि हम ब्रिटिशर्स आपके ऊपर अटैक ना करें तो आपको हमारा ट्रूप हमारी सेना एक टुकड़ी सेना की अपने वहां स्टेशन करनी पड़ेगी हमारा एक ऑफिशियल आपके उसमें रहेगा आपके दरबार में रहेगा और उसका भरण पोषण पालन पोषण जो भी है वो आपको करना होगा सैनिकों का भी पैसा भी उनको आपको देना होगा और अगर ऐसा करोगे तो हम अटैक नहीं करेंगे आपके ऊपर लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को तो अब उसमें क्या हुआ इन्होंने यहां भी स्टेशन कर लिया निज़ाम ऑफ हैदराबाद पे भी कर दिया मराठा सिंधिया से भी कर दिया राजपूत ने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया अब समझो ब्रिटिशर्स की सेना यहां पर थी उन्हें सेना मेंटेन करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनकी सेना कौन मेंटेन कर रहे हैं इंडियंस यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर ये सब लोग मेंटेन कर रहे हैं उनकी सेना ठीक है ये देखिए स्टेटीबाद रूलर ऑफ मैसूर राजा ऑफ तानजौर पेशवा ऑफ नवाब अफावद ये याद नहीं करना यह ताकि अच्छे से समझ पाओ इसलिए बता रहा हूं ठीक है भोसले राजा ऑफ बेरार सिंधिया राजपूत जोधपुर और जयपुर के ये सब राजपूत जो थे इन सब लोगों ने इस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया ठीक है चलिए चले आगे नेक्स्ट देख रहे हैं हमारे पास क्या आ रहा है अब हमारे पास आ रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन हो रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक इन्होंने क्या किया सती प्रथा का प्रोहिबिशन करा है इन्होंने ठीक है अच्छा सती प्रथा का प्रोहिबिशन और विडो रीमैरिज ये दोनों अलग चीजें हैं कंफ्यूज मत होना ठीक है सवाल आता है किसने प्रोहिबिशन और सती प्रथा किया किसने विडो रीमैरिज के लिए पास पास किया ये सारी चीजें होती हैं देन फीमेल एंडवाटिसाइड रोका चाइल्ड सैक्रिफाइस रोका चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जारी है जिसमें क्या हो रहा है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की सीट को एबॉलिश करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में प्रमोट करा जा रहा है सवाल आता है यहां से कि वो कौन सी एक्ट थी जिसमें ऐसा हो रहा है तो आंसर क्या करेंगे एक्ट ऑफ़ क्लियर है चलो नेक्स्ट पे आ रहे हैं लॉर्ड डलाउजी इनके लिए तो इनके इनसे कम से कम मतलब आप ये जो पूरी पीडीएफ है ना इससे लगभग लगभग प्रीवियस ईयर में कम से कम डेढ़ सौ दो सौ सवाल आ चुके हैं ठीक है तो अच्छे से पढ़ लेना अगर वाइसरा गवर्नर जनरल का सवाल है तो इसके बाहर कहीं नहीं गया और बाकी के आप मेरे जो आ, बाकी के जो स्ट्रेटेजी के टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल आने की प्रॉबलिटी है स्पोर्ट्स हो गए अवार्ड्स हो गए गवर्नमेंट स्कीम हो गई गांधी जी के आंदोलन हो गए वो सब भी मैं करा चुका हूँ आप अमन श्रीवास्तव सर्च कर लें यूट्यूब पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी चलिए तो इन्होंने पोस्टल सिस्टम शिमला समर कैपिटल बनाई रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया डॉक्टर इन ऑफ लैब्स करवाई सबसे इंपॉर्टेंट सवाल डॉक्टर इन ऑफ लैब्स कौन लेके आया था फिर पूछता है कौन से स्टेट एनेक्स हुए थे तो ये देखो सतारा उदयपुर संबलपुर जयपुर झांसी नागपुर फिर बोलता है कि इनका ऑर्डर क्या है इसके लिए मैंने ईयर लिख रखा है पूछता है कि सबसे पहले कौन सा हुआ तीसरा नंबर पर कौन सा हुआ आखिर में कौन सा हुआ ये हो गया यहाँ पर ठीक है झांसी कौन से नंबर पर एनेक्स हुआ ये ईयर पढ़ के एकदम से बढ़िया आइडिया लग जाएगा ठीक सवाल इसके बाहर नहीं गया कहीं पर टेलीग्राफ लाइन्स किसने लेकरी पहली रेलवे लाइन कौन लेकर के आया ठीक वुड्स दिस पैच इनके टाइम पर आया था फिर इन्होंने क्या किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ क्या करा रीम ऑफ विडोज लीगलाइज कराई यानी कंफ्यूज मत होना यहां यहां पर क्या था प्रोहिबिशन ऑफ सती थी ठीक है किसकी विलियम की और यहां पर क्या आ गया यहां पर आ गया हमारे पास क्या विडो रीमैरिज यह किसने कराया लॉर्ड डलाउजी ने याद रहेगा <coughs> चले लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं लास्ट गवर्नर जनरल और पहले वाइस रॉय हैं अब देखो 1856 से 1862 यानी कि पहली म्यूटनी हो रही है इस टाइम पर जो विद्रोह हुआ है यानी कि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको हम बोलते हैं ये पहली बार यहां पर हो रहा है एंड ही विड्रू डॉक्टर इन्होंने वापस ली

कट गया है गला एकदम अंदर से चलिए <coughs> देखो सो ही स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया राजकोट कौन कौन से कॉलेज स्टैब्लिश करे हैं ठीक है देन <coughs> पहली बार इंडिया में सेंसस हो रहा है सवाल पूछता है कि पहली बार इंडिया में सेंसस कब हुआ है सो so, यह हुआ है 1871 में ठीक है सवाल आता है ये अनसक्सेसफुल सेंसस था सक्सेसफुल नहीं हुआ था सो अनसक्सेसफुल सेंसस था लेकिन सेंसस की शुरुआत हुई थी देन ही वाज द ओनली वॉइस सवाल पूछता है वो कौन से वॉइस रहे जिनका मर्डर हुआ है ठीक है ये सवाल देखो कैसे आते हैं कि मर्डर किसका हुआ है अब देखना जरा यहां पर सवाल पे आना जरा पूछता है इम्पीचमेंट किसके लिए किसके अगेंस्ट हुआ था मर्डर किसका हुआ था ऐसी बातें याद रखना ठीक है जो अंडरलाइन कर रहा हूं सवाल वहीं से बनता है अब देन लॉर्ड लिटन यहां पर क्या हो रहा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पूछता है कौन लेकर के आया था दिल्ली दरबार इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था देन क्या हो रहा है लॉर्ड रिपन आ रहे हैं वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट इन्होंने हटाया था पूछता है लागू किसने किया हटाया किसने ठीक है उसके बाद क्या हुआ यहां पर चाइल्ड लेबर के लिए हटाने के लिए उन्होंने काम किया था उन्होंने उसके बाद क्या हो रहा है बिल जो कि बोलता था कि भारतवंशी लोग क्या करेंगे यूरोपियंस को ट्रायल जो जजेस हैं भारतवंशी जो जजेस हैं वो यूरोपियंस का ट्रायल कर सकते हैं यूरोपियंस यानी कि उनके अगेंस्ट केसेस चला सकते हैं और उनकी सुनवाई कर सकते हैं यूरोपियंस को ये बात पसंद नहीं आई कि कैसे भारत वाले लोग जब हमसे इतना नीचे हैं तो वो कैसे हमारा ट्रायल कर सकते हैं इसके ऊपर बहुत हो हल्ला हुआ बाद में इस बिल को हटा दिया गया था ठीक है चलिए आगे आ रहे हैं द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ नाइनटीन नॉट नाइन यहां पर क्या हो रहा है <coughs> uh, मिंटो रिफॉर्म्स आ रहे हैं ठीक है ठीके? कौन सा ईयर हो रहा है लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 ठीक देन हमारे पास लॉर्ड हार्डिंग आ रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है दिल्ली दरबार हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल करा गया ठीक है ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है किसके टाइम पर यह लॉर्ड किसके टाइम पर यह जो कॉर्डिनेशन हो रहा है किंग जॉर्ज का किसके टाइम पर हुआ है वो ठीक है देन उसके बाद क्या हो रहा है गांधी जी इन्हीं के नौ जनवरी 1915 पे भारत वापस आ रहे हैं इन्हीं के टाइम पर उसके बाद क्या हो रहा है लॉर्ड कैंसफोर्ट यहाँ पर ऑगस्ट डिक्लेन इंपॉर्टेंट है और ये सवाल पूछता है किसके टाइम पर मॉन्टे कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पास करी गई रॉलट एक्ट इसको उन्नीस कर लो

पैक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इनके टाइम पर पास होने तीन पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है वैसे तो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है छोड़ना मत इनमें से कोई भी ठीक है नेक्स्ट पे आ रहे हैं अच्छा वैन लॉर्ड माउंट बेटन की बात कर रहे हैं ये आखिरी आखिरी वॉइस रॉय हो रहे हैं ब्रिटिश इंडिया के और पहले गवर्नर जनरल फ्री इंडिया के फिर ये रिटायर होते हैं और इनकी जगह सी राजगोपालाचारी इंडियन जो हैं वो पहले गवर्नर जनरल पहले इंडियन गवर्नर जनरल बनते हैं सी राजगोपाल आचार्य तो बस ये इतना सा काम है आपको इसको याद कर लीजिए इसके बाद एक और सेशन आपके पास आएगा जिसमें क्या होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है जहां से सवाल आते हैं मेरा अगला वीडियो उसके ऊपर होगा ठीक है चलो थैंक यू बाय बाय टाटा टेक केयर ऑल द बेस्ट